नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो यहाँ पर अभी जो सुशांत सिंह का केस है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। शुरुआत जिस तरीके से हुई थी उसके बाद लगा था कि शायद ये सुसाइड हो सकता है, लेकिन उसके बाद की जो भी डेवलपमेंट्स इसमें देखने को मिली उसके बाद धीरे धीरे जो शक है वो सुसाइड से हट करके मर्डर की तरफ जाने लगा। तो इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल वाला आइकन को दबा करके ऑल वाला ऑप्शन से लगा लें ताकि आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोज़ की जो भी जानकारी है वो सबसे पहले मिले। तो अब बात करते हैं आखिर ये जो सारा मामला है वो सुशांत सिंह की जो सुसाइड है उसके बाद से ही शुरू हुआ। मामला शुरुआत में केवल और केवल इतना ही लग रहा था कि ये केवल एक सुसाइड केस है, क्योंकि जो पुलिस है उसने इस चीज को डिक्लेयर कर दिया था और पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी इसी बात को कहा गया था। लेकिन उसके बाद जो सुशांत सिंह के फैंस है उन्होंने इस बात को लेकर के काफी ज्यादा आक्रोश जताया और आक्रोश जताने के बाद फाइनली जो है सीबीआई की जो मांग थी वो भी पूरी हो गई और अब सीबीआई जांच जो है इसमें चल रही है। सीबीआई जांच के दायरे में रिया चक्रवर्ती जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं प्राइम सस्पेक्ट है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती जो है वो पूरी तरीके से सुशांत को कंट्रोल करने लग गई थी। अभी हाल ही में रिया चक्रवर्ती ने आज तक को एक इंटरव्यू दिया है, तो उस इंटरव्यू को लेकर भी काफी ज्यादा कह सकते हैं कंट्रोवर्सीज खड़ी हो रही है, क्योंकि वो इंटरव्यू अगर आप देखोगे तो आपको देख करके लगेगा कि उस इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती के चेहरे पर आपको बिल्कुल जरा सा भी दुख देखने को नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ जिस तरीके से वो चीजों को जवाब दे रही है और जिस तरीके से राजदीप सरदेसाई सवाल पूछ रहे हैं, इसे ये लग रहा है कि ये पूरा जो इंटरव्यू है ये स्क्रिप्टेड है। और सबसे मजाकिया बात, क्योंकि ये मजाकिया ही है, इसमें यहाँ पर रिया चक्रवर्ती जो है वो कहती है कि सुशांत जो है वो उनके सपने में आए थे और सपने में आने के बाद उन्होंने कहा था कि रिया जाकर के तुम टेलीविजन पर जाकर के अपनी जो भी सच्चाई है वो जाकर के लोगों को बताओ। यहाँ पर रिया बताती है कि सुशांत को एरोप्लेन में बैठने से डर लगता था, जबकि आपको सोशल मीडिया पर सुशांत का वो वीडियो देखने को मिल जाएगा जिसमें सुशांत सिंह राजपूत प्लेन को उड़ा रहे हैं और इसके साथ ही उनके बहुत सारे इंटरव्यूज में उन्होंने कहा है कि उनको प्लेन उड़ाने का जो लाइसेंस है वो चाहिए, क्योंकि उनको प्लेन उड़ाना आता भी है और इसके लिए वो कोशिश में भी लगे हुए। तो इन चीज़ों को देख करके बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन सामने आ रहा है कि क्या ये सच है या फिर रिया जो भी बोल रही है वो सब चीज़ें झूठ है। तो अभी तो सीबीआई जांच हो रही है और आगे इस मामले में जो भी डेवलपमेंट आएगी वो आपको मैं बता दूंगा। इसके साथ ही जो आज तक चैनल है उसकी जो क्रेडिबिलिटी है उस पर भी लोगों ने प्रश्न चिन्ह खड़े किए और साथ ही साथ ट्विटर पर बॉयकॉट आज तक और इंडिया टुडे को बॉयकॉट करने के जो ट्रेंड है वो भी चले हैं। तो आगे इसमें क्या अपडेट आती है मैं आपको बताऊंगा। आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।